तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ कुछ मजेदार चीज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सुनो जी, अमित जी एंड गुलशन जी, मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूं मल्टी सीट पिवट टेबल। तो पिवट टेबल एंड पावर पिवट टेबल में आपने देखा था कि किस तरीके से मैं दो या दो से अधिक सीटों पर पिवट लगाया था, लेकिन उसमें क्या था कि डेटा लुकअप किया था, रिलेशनशिप के जरिए हमने डेटा को लुकअप किया था। अब यहां डेटा को कंपाइल करना है। तो मेरे सामने एक डेटा है जिसमें दो शीट है, सीट डीएल का और एमएस का दो शीट है। अगर मान लीजिए कि मुझे मैनुअली लगाना होता है तो क्या करता हूं कि पहले डेटा को यहां पेस्ट करता हूं, फिर वापस इसी डेटा को कॉपी करके इसी के नीचे हमें पेस्ट करना होता है, राइट? और फिर इसमें पिवट लगाते हैं। मैं चाहता हूं कि कॉपी पेस्ट का जो है वो खुद ब खुद हो जाए और पिवट बन के आ जाए, क्योंकि बात यह है कि डेटा फिक्स नहीं है। अभी मान लीजिए इसमें और भी बढ़ सकता है और यहां भी इस सीट पे भी बढ़ सकता है, तो बार बार हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तो कॉपी पेस्ट खुद ब खुद हो जाना चाहिए। समझ में आ गया प्रॉब्लम, तुम करना क्या चाहते हैं? अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि हम जाएंगे डेटा मेनू में। हालांकि इसके एक और तरीका है सर, लेकिन तरीका इस अच्छे तरीके से फुल प्रूफ नहीं है। तरीका क्या है मैं बताता हूं। आपको प्रेस करना है अल्ट डी, अल्ट डी पी, डी फॉर डेटा, पी फॉर पिवट, 2003 का शॉर्टकट है। इसी में आपको दिखेगा क्या बोला किया था आपने। हाँ, ये अच्छे से काम नहीं करता, मैं ही इसलिए बता रहा हूं। हाँ, इसको हमने देखिए, इसको हमने देखा, इसको यहां से ऐड किया, एमएच में गया, अपने डेटा को वापस सेलेक्ट किया और ऐड किया, फिर नेक्स्ट, और फिर यहां पे हमने पिवट को फिनिश कर दिया। तो नेम वाइज और यहां पे प्रोडक्ट वाइज आपको सेम दिख रहा है। मैं अगर इस पे डबल क्लिक करता हूं तो ये देखिए पूजा P1 और हमारे आइटम, यहाँ आइटम वन, आइटम टू, आइटम थ्री, अलग अलग शीट है, सीट का यहाँ पे दिख रहा है। आइटम और मतलब कि डीएल सीट से या एमएस सीट से लिया है इसने, काम तो किया, लेकिन क्या है कि अभी इसमें मान लीजिए मुझे यहाँ पे इसका P1 P2 P इसका एवरेज चाहिए, सम ऑफ वैल्यू के कॉलम के जगह पे कुछ और करना चाहता हूँ, पेजेस कुछ और हो, क्योंकि इसका एक फिक्स फॉर्मेट है, इसका एक फिक्स फॉर्मेट है, तो एक काम तो करता है लेकिन कुछ हद तक इसमें फ्रीडम नहीं है। ओके, अब तो आगे क्या करें, तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्यूरी। जी हाँ, पावर क्यूरी यूज करेंगे। यहां गेट एक्सटर्नल डेटा सोर्स में जाएंगे, फ्रॉम अदर पे आएंगे और फ्रॉम अदर में आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, और फिर यहां से हम एक्सेल डेटा को सर्च करेंगे, ब्राउज करेंगे, जो डेटा जहां सेव है आप उसी लोकेशन पे चलेंगे। नहीं, ओके कीजिए इसको। हाँ, फिर आप यहां पे आपका ड्राइव चेंज करना है, तो ये 2019 है, यहां से ड्राइव चेंज कर सकते हैं, यहां से फाइल का टाइप चेंज कर सकते हैं, और ये आपके फाइल का लिस्ट है। डीटी को सिलेक्ट किया एंड ओके किया, डीएल को ऐड करता हूं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब यहां पे आता है रिटर्न डेटा इन क्यूरी इन माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, और इसको फिनिश करता हूं तो एक अलग से माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी का एक आ जाएगा। अब इसके लिए आपको सिक्वल क्यूरी पता होना चाहिए। तो अभी क्या है कि एमएस सेट करना है, तो मैंने इसको ए डीएल स्टिल बहुत सारा लिखा हुआ है, इसको रखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, यहां पर स्टार लगा देता हूं सिंपल सा, ठीक है, और कॉपी किया इसको और इसी के नीचे पेस्ट करूंगा, लेकिन एक कोड ऐड करूंगा यूनियन,
यूनियन ऑल और पेस्ट करके अब यहां पे डीएल के जगह पे मैं कर दूंगा एमएच। सिंपल से क्या करना है, एमएच कर देना है, ठीक है। यूनियन अब तीसरा है, तो तीसरा यहां पे यूनियन जितने भी सीट से यूनियन करें। अब देखिए यहां पे क्या है कि एक ही फाइल के सीट्स है, आप डिफरेंट डिफरेंट फाइल के भी सीट्स है, डिफरेंट डिफरेंट फाइल के लोकेशंस के साथ यहां डाल सकते हैं, ओके। अब जैसे मैं ओके करूंगा, वापस ओके करूंगा, तो देखिए यहां पे दोनों डेटा मर्ज हो गया ना सर। फाइल में मैं जाऊंगा और यहां पे करूंगा रिटर्न डेटा टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और आपको क्या चाहिए, टेबल फॉर्मेट में जैसे डेटा है डेटा चाहिए, या फिर आपको चाहिए पिवट टेबल रिपोर्ट, या चाहिए पिवट चार्ट। तो मैंने बोला पिवट टेबल रिपोर्ट चाहिए और ये आपके सामने पिवट टेबल लग गया दो डिफरेंट डिफरेंट डेटा में, वो भी कंसोलिडेट हो गया। अब मान लीजिए मैं कोई ऐड करता हूं, तो मैं एक नाम ऐड करता हूं, मान लीजिए देव नहीं है इसमें, देव ऐड किया डीएल में, ठीक है, हमने फिगर ऐड किया। अब मैं बस इमेज पे रिफ्रेश करता हूं, आ गया सर। तो इसमें फायदा क्या हुआ कि डेटा अपडेट होती ऑटोमेटिक, यहां पे हमारा अपडेट हो गया, बट इससे पहले जो हमने दिया था उसमें नहीं होता, क्योंकि उसमें एक रेंज हमने सिलेक्ट किया था, बट यहां रेंज का चक्कर नहीं है, पूरी सीट होगी। समझ में आप लोगों को, किसी को